नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है दोस्तों, उसका नाम है थॉम बायर्स्ड। ये जो लड़का है दोस्तों, अमेरिका में रहता था और वहाँ पर उसकी माँ और उसके भाई के साथ ये रहता था। ये अपने जीवन में अपने हिसाब से जी रहा था, लेकिन इसके जीवन में ये प्रॉब्लम थी दोस्तों कि उसका जो भाई था वो थोड़ा सा आउटलाइन के लिए बहुत ही गलत मार्ग पर चलने लगा। इसने उसको सुधारने की बहुत कोशिश की, अपने जीवन में कहीं ना कहीं करियर अपना देख रहा था, तो अपने भाई को भी उसने एक अच्छी जॉब वगैरह ऑफर की थी, लेकिन फिर भी वो जो भाई था दोस्तों, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था और वो अपने भाई को या फिर अपने माँ के साथ भी बहुत झगड़ा करता था। और वो इतना बुरा था दोस्तों उसका भाई, उसका नाम था ट्रॉय बायर्स्ड। जो ट्रॉय था दोस्तों, वो इतना आउटलाइन को चला गया था कि उसको कोई लाज शर्म नहीं होती थी किसकी पुलिस घर पे आ रही है उसके वजह से, या फिर वो कुछ गलत काम वगैरह कर रहे हैं। पहले तो वो गलत काम वगैरह मतलब चोरी बीरी वैसा ही कुछ करता था, लेकिन बाद में उसके जो क्राइम थे दोस्तों वो बढ़ने लगे। और इसका जो भाई था दोस्तों, उसने इसको घर से निकाल दिया और कहने लगा कि मुझे अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, उसका जो भाई था वो काम के सिलसिले में बाहर रहता था, थोड़ा उसने अपना दूसरा घर लिया था और वहाँ पर ही वो रहता था। और इसकी जो माँ थी दोस्तों, उसके घर में कभी कभी ये जो ट्रॉय है वो रहता था। एक दिन इसके भाई को मतलब थॉम को ये पता चला दोस्तों कि उसका जो भाई है ट्रॉय, उसने अपनी माँ का खून कर दिया है, उसने अपनी माँ को मार डाला है। ये सारी जब चीज़ें उसने सुनी तो उसको बहुत ही बुरा लगा। और बाद में ये कहानी ये भी है दोस्तों इतना भयानक कि वो जो भाई था दोस्तों, उसका थॉम के साथ बहुत ही झगड़ा होता था उसका, तो इस वजह से ट्रॉय ने थॉम को ये धमकी भी दी थी कि मैं तुम्हें भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस वजह से जब तक ट्रॉय पकड़ा नहीं जाता पुलिस के हाथों, तब तक यहाँ पर जो थॉम वगैरह थे वो छुपे कर ही रहा था कि उसका कहीं से भाई आकर उसको मार ना दे। और एक ऐसा इंसान कि जिसने मतलब किसी का खून किया है तो उसको दूसरा खून करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, इस वजह से जब तक उसको पुलिस ने नहीं पकड़ लिया तब तक उसको उसने वो थोड़ा सा सेफ हाउस में रहा था। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि सालों बीत गए और वो जो थॉम था वो मतलब उसका पैरानॉर्मल चीज़ों पे वगैरह विश्वास था, तो इस वजह से उसने कुछ ऐसे साइकिक के साथ संपर्क किया कि उसकी माँ के साथ वो कुछ बात कर सके। लेकिन उसको एक भी ऐसा साइकिक नहीं मिला दोस्तों जिसने सच्ची बातें कही होगी, कुछ अलग ही वो बातें कहते थे और उनके बातें सुनकर ये उनको उसको यही लगता था कि ये कामा का कुछ भी झूठ मूठ का कुछ बोल रहे हैं मुझे, लेकिन एक अच्छा साइकिक उसको नहीं मिला दोस्तों। बाद में थॉम का एक दोस्त था दोस्तों, दोस्त मतलब उसका जान पहचान का एक इंसान था, उसके पास भी थॉम गया था कि वो अपनी माँ के साथ कुछ संपर्क करे, लेकिन वो जो साइकिक था उसने थॉम को ये कहा था कि वो अब साइकिक जो करता था पहले, साइकिक का जो काम उसने वो छोड़ दिया है कुछ सालों पहले, तो इस वजह से थॉम ने उसको बाद में कुछ पूछा नहीं। लेकिन उस इंसान का दोस्तों अचानक थॉम को एक दिन फ़ोन आया और उस इंसान ने ये कहा कि मैंने तुम्हारी माँ को तो आकर्षित वगैरह नहीं किया, लेकिन तुम्हारी की माँ की जो आत्मा है वो मुझसे ये कह रही है कि तुम एक बार ट्रॉय से जाकर जेल पर मिलना। तो ये बात सुनकर थॉम को बहुत ही अजीब लगा कि जिस माँ को उसके बेटे ने मारा होगा तो उस माँ का कितने दिल में गुस्सा, या फिर उसको गुस्सा नहीं है हम कह सकते, लेकिन उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि मेरे बेटे ने ही मुझे इस दुनिया से मतलब ऐसा किया। लेकिन फिर भी उसकी माँ थी दोस्तों, उसने ये कहा कि थॉम तुम जाकर उससे मिलना, क्योंकि अगर तुम मिलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और उसके माँ ने यह भी कहा था कि ट्रॉय में को हमने बहुत सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में गलत राह पर ले गया और इसकी उसको खामियाजा जो है वो भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो निचले स्तर पर जाएगा, लेकिन अच्छा होगा कि अगर तुम एक बार वापस उससे मिलोगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो सिर्फ माँ के आदेश से दोस्तों आप समझ सकते हैं, एक प्यारी हमारी माँ है और एक ऐसा भाई जिसको हमने पूरी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश की, ऐसा भाई सुधरा नहीं, एक तो वो सुधरा नहीं वो जाने दो, लेकिन इसने इतना बुरा कर्म किया कि अपनी ज़िंदगी में हम उसे को कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। तो थॉम जो था दोस्तों उसको वैसा ही लगता था, लेकिन माँ के आदेश पर वो उससे मिलने गया। जब वो वहाँ पर मिलने गया दोस्तों, तब ट्रॉय ने उसको गले लगाया और उसको बहुत सारी चीज़ें कही कि मुझे सचमुच माफ़ कर देना, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बुरा यह कदम उठाया है, मुझे पता है कि मेरा जो गलती है वो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ करना और मैं अपनी माँ की भी हमेशा माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया। तो ये जो कहानी है दोस्तों वो हमें यह सिखाती है, फ़िलहाल उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है और वो सज़ा काट रहा है ट्रॉय, और वो जब तकरीबन 79 का जब हो जाएगा दोस्तों तब वो जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन तकरीबन वो कितना साल जिएगा वो हमें नहीं पता, उसके कर्मों की सज़ा उसको बाद में भी भुगत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये जो कर्म है वो सिर्फ जेल काट कर उसकी कम नहीं होने वाली सज़ा, ये तो बात है ही।
तो महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये जो कहानी है वो हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हम बैर रखते हैं दूसरों से। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि मुझे उसका गुस्सा आता है, मैं उसका बुरा कुछ देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो हमारे विचार है दोस्तों वो हमें छोड़ने होंगे। जितना हो सके हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी होगी। लेकिन जिसके साथ हमारे बुरे संबंध है, समझो मुझे किसी का गुस्सा आता है या फिर वो मुझे इंसान अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे वक्त में दोस्तों मेरे दिल में मैं ये नहीं कहता कि उसके लिए तुम अच्छा सोचो या फिर उसका भी भगवान कल्याण करे। इतना अगर हमारा बड़ा मन नहीं है तो भी कोई बात नहीं। और मुझे भी पता है कि कुछ इंसान कुछ ऐसे हमारे साथ कुछ की चीज़ें करते हैं कि हम उन्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमें उसको भूलना होगा कि जाने दो, वो अपने कर्मों की सज़ा भुगते या फिर ना भुगते, मुझे कुछ भी नहीं करना। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी को खामखा गालियाँ या फिर दिल से शाप वगैरह नहीं देना चाहता। जितना हो सके मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस तरह से हमें देखना होगा दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम हमारे दिल में किसी के लिए बुराई हो तो जब हम आत्म रूप में जाएंगे, इस दुनिया से जब जाएंगे, तब ऐसी चीज़ों के लिए भी हमें एक जन्म लेना पड़ सकता है कि दिल से बुराई को नष्ट कर दीजिए। इस वजह से अगर आज हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो उस चीज़ के लिए हमें वेस्ट नहीं गंवाना होगा जन्म दोस्तों। ये जो कहानी है वो हमें यही सीख देती है कि तुम आगे बढ़ो। जिसने बुरा किया है उसको अपने कर्मों की सज़ा कहीं ना कहीं मिलेगी, लेकिन तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। और एक अच्छा इंसान कभी भी बुरी चीज़ों में नहीं आता, वह अपने हिसाब से आगे चलने की कोशिश करता है दोस्तों। तो इसी तरह से ये सीख देती है आज की ये जो कहानी है वो। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।